साहब ने संविधान बनाया था, उस संविधान का पालन करते हुए, अक्षरशः पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाया जाए, प्रगति के पथ पे ले जाया जाए। इस स्टॉल पे आपके एम्प्लॉयज जो हैं कहाँ कहाँ से आए हैं, किस किस जिले से आए हैं? ये कैनरा बैंक SC ST वेलफेयर एसोसिएशन का जो पंडाल है, ये पूरे प्रदेश स्तर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं स्वयं में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इस संस्था का, साथ में हमारे साथ में सर्कल सेक्रेटरी जितेंद्र जी हैं, साथ में सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं। यहाँ पे कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलाहाबाद, बरेली, अमरोहा, गोरखपुर, बाराबंकी, गोरखपुर, मतलब आप ये समझिए कि जितने भी 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, सभी का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। और केवल इस कैनरा बैंक की SC ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन ही नहीं, हमारे यहाँ पे जो दूसरी एसोसिएशन है कैनरा बैंक की, कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, कैनरा बैंक ऑफिसर फेडरेशन और एम्प्लॉय यूनियन के भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पर हम लोगों का साथ देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और कैनरा बैंक का स्टॉल और कैनरा बैंक के स्टॉल जो है बाबा साहब की जयंती पर, क्या उद्देश्य है लगाने का? सर, हमारा उद्देश्य यही है, जैसा कि हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि समानता और उनके विचारों को हम एक दूसरे के ऊपर बताएं और उनके रास्ते पर चलें। नहीं, बैंक की तरफ से क्या उद्देश्य है? बैंक की तरफ से हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर जितनी भी जनता जो आ रही है, वो जो बैंक से लाभ दिए जा रहे हैं, खासतौर से अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं बैंक के द्वारा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुंच सके, लोग उस चीज़ को जान सकें। और जो उत्तर भारत में कैनरा बैंक को लोग इतने अच्छे तरीके से नहीं जान सकते हैं, वो इस पंडाल और इस हमारे एसोसिएशन के माध्यम से उन तक ये मैसेज पहुँचे कि हाँ, कैनरा बैंक भी जो है वो एक सरकारी संस्था है और गरीबों, वंचितों और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों के लिए कितने ज़्यादा काम कर रही हैं। कैनरा बैंक की तरफ से क्या कहें? नमस्कार, मैं कैनरा बैंक की तरफ से यहाँ पे हम सभी लोग मौजूद हैं आज। हम सभी भाई जो हैं SC ST और बाकी अदर भी आम जनता के लिए, उनको ये सूचना देंगे कि हम कैनरा बैंक भी आपके हर चीज़ के लिए, हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी आपका वो है उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्या क्या मैनिफेस्ट है सर ये स्टॉल लगाने के? देखिए, ये हम लोग पिछले लगभग 10-12 सालों से हर साल ये कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। और जो आज की जनरेशन है, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो ये बाबा साहब की चीज़ों को भूल चुकी है और ये मोबाइल और टेक्नोलॉजी में पड़ गई है, तो हम उस जनरेशन को ये याद दिलाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने ना सिर्फ संविधान की रचना की, जो कि हर कोई जानता है, बाबा साहब ने संविधान के साथ साथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और सोशल वर्क, बाकी चीज़ों पर सब पे बहुत काम किया है। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि RBI एक्ट 1934 वो बाबा साहब ने बनाया। आज रिजर्व बैंक और पूरी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था अगर किसी की देन है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। और हमें इस बात को समाज में फैलाना है और बैंकिंग के माध्यम से जितना हो सके अपने समाज का, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज है, जिसको कि हमें आगे बढ़ाना है, उसके लिए बहुत अच्छा साधन है कि बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो लाभ उठा करके समाज में आगे बढ़ें। यहाँ पे और भी सारे जो है पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं समझता हूँ कि अम्बेडकर जी की जो जयंती है उनको पहले तो सत्सर नमन। और मैं RK वर्मा, कैनरा बैंक ऑफिसर फेडरेशन से यही सर्किल ऑफिस में हूँ। और मैं ये बात बताना चाहूँगा, अम्बेडकर जी ने जो एक चीज़ बताई थी, साम्राज्यवाद से समाजवाद पे देश को आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है साम्राज्यवाद से हटके समाजवाद पे आना चाहिए। और उन्होंने एक संदेश और दिया था, शिक्षित होइए, संगठित होइए और संघर्ष करिए, तभी आपको हक मिल पाते हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली होती है समाज को कि शिक्षित बनिए और संगठित रहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आज उनकी 131वीं जयंती पे उनको हम सत्सर नमन करते हैं। आज जो है बाबा साहब की जयंती है और खासकर बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किया है, हिंदू कोड बिल को लेकर, क्या कहेंगे हिंदू कोड बिल को लेकर? यदि हिंदू कोड बिल नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बाबा साहब ने ही हम लोग के लिए आवाज़ उठाया, इस चीज़ को हमारी महिलाएँ समझ नहीं रही हैं। अभी भी हमें दुख है इस बात का कि वो अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ रही, अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं है, जबकि बाबा साहब ने बहुत पहले हमें जगाने की कोशिश की है। तो हिंदू कोड बिल अगर नहीं आया होता तो आज हम जो हैं यहाँ पे खड़े सुख सुविधा के साथ, वो हमें कहीं नहीं होता। आज हम कहीं गटर साफ़ कर रहे होते, तो शिक्षा का अधिकार उन्होंने दिया, सबसे बड़ी चीज़। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब की जयंती एक ऐसा मौका होता है जिसमें कि हम सभी
ऐसा नहीं कि सिर्फ एससी एसटी समाज के, और भी समाज के लोग एकजुट होकर के इनको याद करते हैं, नमन करते हैं। और ये हमारे, जैसे कि हम सब जानते हैं, पहले कानून मंत्री थे, इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो फिर कंट्री की क्या स्थिति होती, ये तो हम सभी जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हम पढ़ पाए, हम आगे बढ़ पाए, और समानता का अधिकार है सभी को, सभी रिलीजन्स को। तो एक हम लोग को इस दिन सबको एटलीस्ट उनको थैंकफुल होना चाहिए, और इसी दिन ही हर दिन उनको थैंकफुल होना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। ओबीसी समाज जो है बाबा साहब को नहीं समझता, लेकिन ओबीसी समाज के लिए बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, क्या कहेंगे ओबीसी समाज? अब मैं तो यही कहूँगी कि उनको समझना तो चाहिए, अब नहीं समझते, मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको अकल आए और वो इस चीज़ को माने। आज हम जो है लखनऊ में थे, यहाँ पे जो है कनेरा बैंक के एम्प्लाई, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो भी बाबा साहब के मिशन को लेकर जो है स्टार लगाकर यहाँ पे बाबा साहब की जयंती को सफल बनाने के लिए है।